बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, आज आपको कराने वाला हूं बिजनेस स्टडीज का एक बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर। जानेंगे क्या क्या आंसर है इन सारे क्वेश्चन को। आप सभी लोग मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे और इवेल्युएट कराएंगे कि आप कहां पर फिलहाल स्टैंड करते हैं। सैम्पल पेपर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको अंदर। ठीक है, ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, ये बोर्ड में ऑलरेडी आ रखा है हमारा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंस की काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आपको पता है, मैंशन होती है आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद हिंदी में भी जो बच्चे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर सारा मटेरियल है। क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले होंगे, हम लोग इंग्लिश वाला अटैम्प्ट करेंगे, हिंदी वाला आप उससे अपने आप इवेल्युएट कर लेंगे अगर आपके पास हिंदी में बिजनेस स्टडीज़ है तो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके सामने यहां पर आ गए हैं, मैं दोनों को ले आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लिखा है प्रोजेक्ट ननी कली रन्स बाय शिवम एंड सोहन, इट वाज स्टार्टेड इन 1998 एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम दैट इनेबल्स अंडर प्रिविलेज गर्ल्स टू कंप्लीट 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। द प्रोजेक्ट हैज इंपैक्टेड द लाइव्स ऑफ ओवर 5 लाख गर्ल्स फ्रॉम लो इनकम ग्रुप फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री। द ऑब्जेक्टिव अचीव बाय शिवम एंड सोहन लिमिटेड। ओके, शिवम एंड सोहन लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट चला रखा है जिसमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करें, तो गर्ल्स एजुकेशन या एजुकेशन को प्रमोट करने वाला हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल है, सबको पता है क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, सोशल है, पर्सनल है या बोथ, ANC है। इसका सही जवाब है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं ये सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा समाज के अलग अलग लोगों को पढ़ने का मौका देना, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स लेकर आना, ये सब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है आपके सामने, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं पूरा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। लिखा गया विद राइजिंग पॉल्यूशन लेवल कंज्यूमर आर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड एयर, सो द डिमांड ऑफ होम एयर प्योरीफायर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज डिस्कस हियर। देखिए कंज्यूमर थोड़ा सा कॉन्शियस होता जा रहा है, ध्यान रखना इस लाइन को, जहां पर भी कंज्यूमर कॉन्शियस होता नजर आए अलग अलग चीजों के प्रति और पूछा जाए कौन सा डायमेंशन आएगा, तो वहां हमेशा 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 आंसर रहेगा सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, और अगर पूछे कौन सा फीचर है तो इस फीचर का नाम भी बता दूं, इस फीचर का नाम है आपका इंटर रिलेटेडनेस, ध्यान रखना इस बात को। अगर ये बिजनेस एनवायरमेंट का फीचर पूछा आपसे तो यहां रखना हमेशा यहां पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास आगे। अगेन हिंदी में सारे क्वेश्चन डिस्प्ले हैं, हमें नहीं अटेम्प्ट करने, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जो कि हमारे इंग्लिश में आएगा, आपके सामने आ गया है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा ले आते हैं ऊपर, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखना बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं गलती से ना इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लेता हूँ, आप कहेंगे अरे नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं बता रहा हूँ भाई ऐसा होता है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। कभी कभार किसी के अंदर लिखा है नॉट ट्रू स्टेटमेंट और इंसान ट्रू स्टेटमेंट ढूंढ रहा होता है, नॉट ट्रू पूछा है भाई, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग वो बताना आपको। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा है। नेशनल कमीशन हैज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर द होल कंट्री फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन पूरे कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन को लेके चलता है। ठीक है, बात तो सही है, पूरी कंट्री को नहीं, नेशनल कमीशन ही लेके चलता है क्योंकि सबसे बड़ा नेशनल कमीशन ही होता है हमारा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज अ कंडीजर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट फोरम में केवल वही केस जाते हैं जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर नहीं होती, बिल्कुल सही है, बात भी बिल्कुल ठीक है। अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डर कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर आप केस हार जाते हो तो आप सीधा नेशनल कमीशन जा सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन आर सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है, ये भी ठीक है। एक्चुअल में जो गलत है वो स्टेटमेंट वो सी वाला है। ठीक है, इसमें गलती क्या बता देता हूँ, देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, आई रिपीट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट कमीशन तक जा सकते हैं और उसका भी टाइम पीरियड है 45 डेज के अंदर आपको जाना पड़ता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से जा सकते हैं, स्टेट कमीशन। नेशनल कमीशन में जाना अलाउड ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम के कोई भी केसेस या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के कोई भी केसेस को नेशनल लेवल पर एंटरटेन नहीं करा जाता। ठीक है, ध्यान रखे चलना, तो डिस्ट्रिक्ट वाले ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट तक जा सकते हैं, स्टेट वाले ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल तक जा सकते हैं और नेशनल वाले ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है, ये ध्यान रखे चलेंगे, आप हमेशा हायरार्की में नेक्स्ट लेवल तक ही जा सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर जाना पॉसिबल नहीं है, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है,
देखते हैं, इन एडवर्टाइजिंग देयर इज अ नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोस्पेक्ट एंड द एडवर्टाइजर. कौन सा फीचर है? ठीक है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट का मतलब है ऑब्वियसली बात है आपस में आमने सामने इंटरेक्शन तो नहीं हो पाता, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या ये पेड फॉर्म है, इन पर्सनैलिटी, इकोनॉमिकल है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है? तो बच्चों इसका नाम है इन पर्सनैलिटी. कि एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म है, इम्पर्सनल का मतलब जिसमें लोग आपस में पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करते. एडवर्टीजमेंट आपने देखा ही है, बहुत बार टीवी पर आता है, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस अपना ऐड करके चले जाती है, हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है, दैट इज आर ऑन टर्म एंड कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ओके, आपको बताना है इन चार में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में. कैपिटल बजटिंग आपके फिक्स्ड कैपिटल के बारे में होता है, आपको पता है इस बारे में बहुत अच्छे से. ठीक है, देखते हैं एक बारी. दिस डिसीजन आर रिवर्सिबल. क्या कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन रिवर्सिबल होते हैं? नहीं, रिवर्सिबल तो नहीं होते भाई. तो ये तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट पहला. दिस डिसीजन इंक्लूड कमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, देयरफॉर नीड टू बी टेकन विद अटमोस्ट केयर. ये बात तो थोड़ी सही से लग रही है, इसके अंदर बहुत सारा पैसा लगा होता है और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम लगाते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म. ठीक है, और इसलिए बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए. ये स्टेटमेंट थोड़ा करेक्ट सा लग रहा है मुझे. एक बार थर्ड वाला पढ़ लेते हैं. दिस डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग रन. नहीं भाई, बहुत अफेक्ट करके चलता है, ये भी गलत है. साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग. अरे इफेक्ट होते हैं भाई मेरे, ये भी गलत है. तो सही जो आंसर हमारा वो बी वाला है. तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे. सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, डोंट फॉरगेट. क्वेश्चन नंबर 6 ले आते हैं ऊपर थोड़ा सा. इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म जस्ट बिफोर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स. ओके, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को याद करो भाई. पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को याद करो जल्दी जल्दी. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सोचो क्या है आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, दिमाग चलाओ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में, एक बार अपने दिमाग में विचार लेकर आओ. देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमारे चार स्टेप से मिलकर बनती है. इन स्टेप का नाम है IDANE. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ये पूछ रहे हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से कौन से वाला पॉइंट है पहला, ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी वाला पॉइंट है भाई. तो ये रहा ए वाला हमारा आंसर रहेगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, डोंट फॉरगेट. क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ भैया, आ जाओ ऊपर आ जाओ. ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स. न्यूमेरिकल टर्म कौन से प्लान में होता है? देखो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल टर्म पूछते हैं कि कौन से वाला स्टेटमेंट न्यूमेरिकल टर्म में तैयार होता है. केवल एक स्टेटमेंट है जो न्यूमेरिकल टर्म्स में आंकड़ों में चलता है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं बताते हुए इतना होगा इतना होगा, एक्सपेक्टेड हमारे खर्चे कमाई जो भी हम लिखते हैं उसको हम क्या कह चलते हैं, बजट. ठीक है, और आप लोगों को बजट की डेफिनेशन भी याद है, बजट इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और रिवेन्यू और बेसिकली एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट इन अपकमिंग फिस्कल ईयर. तो ये और कुछ नहीं है भैया, बजट ही है, ध्यान रखेंगे इस बात को, भूलना बिल्कुल नहीं है. नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपके सामने. चलिए फटाफट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8. चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following functions of management completes one cycle of management process and improves planning in the next cycle? Okay, अगर आपको याद हो बहुत अच्छे से तो हमारी management की cycle क्या है functions की, भाई सबसे पहले planning, फिर organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, ऐसे ही चलता है, ये आप सब लोग जानते हैं. ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा function है management का जो एक पूरी cycle को complete करेगा और ऊपर से हेल्प करेगा अगली साइकिल में, प्लानिंग को भी हेल्प करेगा, प्लानिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आएगा. तो भाई वो कंट्रोलिंग ही हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है. क्यों? क्योंकि पूरी प्रोसेस कंट्रोलिंग पे एंड है और कंट्रोलिंग के बाद में अगला स्टेप किस पे लेके आऊंगा, प्लानिंग पर. ठीक है, तो एंड कहां पर है? कंट्रोलिंग पर. लेकिन कंट्रोलिंग एंड नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग इंप्रूवमेंट लेकर आती है अगली प्लानिंग में, इसलिए कंट्रोलिंग स्टार्टिंग भी है. जो अंत है वही शुरुआत है, इस बात को ध्यान रखे चलना. ठीक है, सो इसका जो सही जवाब है वो रहेगा हमारा कौन सा, कंट्रोलिंग, डोंट फॉरगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी एंड पेंशन प्लान एटसेट्रा विल सेटिस्फाई विच ऑफ द नीड ऑफ द एम्प्लॉय. ओके, सिक्योरिटी, पेंशन प्लान से कौन सी नीड पूरी होती है सबको पता है, बहुत सिंपल है. देखो जॉब सिक्योरिटी और पेंशन प्लान से इंसान की फ्यूचर की टेंशन खत्म, इसको हम कहते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी नीड. बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, यही एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने समझाया भी था वीडियो के अंदर, आपको पता है इस बात को.
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। फाइनेंशियल प्लानिंग इज असेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है यार, आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट, करेक्ट बिल्कुल। आगे, फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म एंड फोकस इज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम ओनली। फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ऐसा तो नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग तो हर टर्म के लिए होती है, शॉर्ट के लिए भी होती है, लॉन्ग के लिए भी होती है, और ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक कर रही है। प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब है सीधी सी बात है, फिर लॉन्ग टर्म कहाँ, शॉर्ट टर्म भी तो है प्रेजेंट हमारा, तो एक गलत है स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। और दूसरा, ये सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, हमारे रिवेन्यू से भी डील करके चलती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा फर्स्ट वाला, वन ट्रू है और सेकेंड फॉल्स है, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नॉट, थोड़ा सा ध्यान देखो, अब तो ये बोल्ड करके देने लग गया क्योंकि बच्चा ना नॉट पढ़ता ही नहीं था। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और मैंने बहुत ज्यादा बार देखा है बच्चा ये गलती कर बैठता, इसलिए ध्यान से रखे चलेंगे। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस कौन कौन से आप बता दो, उनमें से जो नहीं है वो पता चल जाएगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट से प्राइस इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। कॉम्पिटिशन से होता है, बिल्कुल होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन से होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग से कोई प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो इसका सही जवाब है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग, वो बता देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का मीन्स प्रोडक्ट के एक स्टैंडर्ड सेट करना जो कि उसके बेंचमार्क रहेंगे क्वालिटी के, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहें कि हाँ यार, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी प्रोडक्ट को लोगों के माइंड में सेट करने के लिए, डोंट फॉरगेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है हमारे सामने। ओके, देखते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट बचाना है। वाओ, सिंपल क्वेश्चन। अशिता वर्क्स इन अ कंपनी वेयर हर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया, सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में मिलाना, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सब कुछ जो भी करेगी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पाने के लिए करेगी, सबको जोड़ेगी भी, लेकिन गोल सबसे पाना मेन है इसका टास्क। तो ये क्या, कौन से लेवल पर आती है? आई एम श्योर ये है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। ठीक है, टॉप लेवल का ये काम है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेम एनसीईआरटी में एस टू एस लाइन रिपीट है बिल्कुल एज इट इज, इसलिए एक बार एनसीईआरटी या एनसीईआरटी मटेरियल रीड करना चाहिए, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, मैच द फॉलोइंग है भाई, ये तो हम बहुत इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेंटल एक्सरसाइज, ऑल परवेसिव और डिसीजन मेकिंग, तीनों की डिटेल को लिंक करना है। सबसे पहले मेंटल एक्सरसाइज को ढूंढते हैं। देखिए, प्लानिंग इन्वॉल्व्स थ्रू एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ये तो हो गया डिसीजन मेकिंग हमारा। ठीक है, तो भाई ये तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा। ठीक, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट। ये हो गया ऑल परवेसिव हमारा। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है नीचे आएगा थर्ड वाला। तो भैया ए का थर्ड है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये था, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा, चलो इजिली आप कर पाएंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसएडवांटेज, नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या है हमारे पास। नॉट द डिसएडवांटेज पूछा गया। ठीक है, लेस एम्फसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज, ये तो ऑब्वियसली बात आपको पता है, ये तो हमारा डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है हमारा। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज, ये भी हमारा डिसएडवांटेज है उसके अंदर। मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देर इज मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट। इसमें तो प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे, तो डुप्लीकेशन किस बात का? ये कह रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में हमारा डुप्लीकेशन होगा। भाई, इसके अंदर मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं दो बनाता ही नहीं इसके अंदर। फंक्शन स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट ही एक बनता है। यहाँ ये पकड़े गए, इनका झूठ यहाँ पकड़ा गया, मैंने पकड़ लिया झूठ इनका। ऐसे आपको पकड़ना है कि मल्टी प्रोडक्ट फंक्शन स्ट्रक्चर में होता ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट्स की बात कैसे कर सकते हैं? ये ध्यान रखे चलना, एक गलत लिखा है इन्होंने, इसलिए यही वाला हमारा डिसएडवांटेज है, नॉट अ डिसएडवांटेज है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। बाकी सारे डिसएडवांटेज है इसके, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। फंक्शनल रिविजन पे जनरली आपकी केस स्टडी आ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक पिक्चर भी, इस क्वेश्चन भी आ रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर आई थिंक शायद 16 के रूप में है, तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में। ओके, द पिक्चर बिलो डेपिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजन ऑफ मार्केटर। ओके, मार्केटर के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है जो ली जाती है? देखिए, एक ऑर्गेनिक हनी है, उसकी क्वांटिटी है, शुगर नहीं मिली हुई उसके अंदर, और क्या बात है, मैन्युफैक्चर उत्तराखंड से हुआ है, क्या बात है, देवभूमि उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो भाई बहुत बहुत मुबारक, आपका सिक्का चल रहा है। एक्सपायरी डेट भी है, मैनुफैक्चरिंग डेट भी है, बहुत अच्छी बात है। सो ये क्या है बेसिकली, ये जो आपके सामने ये है ना, इसको हम कहते हैं लेबल। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लेबलिंग है। This is called label and this function is called labeling. Don't forget. Question number 16 आ गया आपके सामने, आ जाओ। From 2003, all transaction securities market are to be settled within 2 days
आफ्टर द ट्रेड डेट. दिस सेटलमेंट या दिस सिस्टम इज नोन एज रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम, रोटेशनल सेटलमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट सिस्टम या म्यूचुअल सेटलमेंट सिस्टम. सोचो 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 ये क्या है बेसिकली. तो इसका जो सही जवाब है वो रहेगा हमारे पास रोटेशनल सेटलमेंट सिस्टम. डोंट फॉरगेट, ठीक है. ये होता क्या है सेटलमेंट कि भैया इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी. एक होता है पे इन डे, एक होता है पे आउट डे. देखिए पे इन डे का मतलब होता है जिसमें हमारा जो ब्रोकर है, जो शेयर्स हमने खरीदे हैं उसके पैसे स्टॉक एक्सचेंज को जमा करा दें, इसे हम क्या के चलते हैं पे इन डे, ठीक है. और पे आउट डे का मतलब है ये वो दिन है बेसिकली जिस दिन हमें अपने ब्रोकर को पैसे जमा कराने हैं कि भैया ये हमने आपसे शेयर खरीदे थे या आप उसके पैसे ले लीजिए हमारे से ज़रा. तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसे तो देने ही देने हैं आपको, बिना पैसे दिए काम चलने वाला है नहीं. और अगर आप पैसे नहीं देते तो आपका काम चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है. सो इसको हम कहते हैं पे आउट डे, ठीक है. और डोंट फॉरगेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा. और जो ये सेटलमेंट हमारी है ये रोटेशनल सेटलमेंट सिस्टम ना हो के हमारा, इसको हम लोग रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है. सो टू कंफर्म दिस, इसको हम कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम. डोंट फॉरगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ओके मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इट इंक्लूड्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग. देखिए पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना किसके अंदर आता है. देखिए पब्लिक ओपिनियन मीन्स पब्लिक रिलेशन मैनेज करना. पब्लिक रिलेशन किसका पार्ट है, ना वो प्रोडक्ट का पार्ट है, ना प्राइस का पार्ट है, ना प्लेस का पार्ट है, वो पार्ट है किसका, प्रमोशन मिक्स का, ठीक है. ध्यान रखे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 आ गया भाई हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स द फ्रीडम टू कंज्यूमर टू एसेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस. जो मर्जी ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को जो लेना ले, कोई तुझे रोकने वाला नहीं है. ये कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के राइट में लिखा जाता है? क्या राइट टू बी इन्फॉर्म है, राइट टू बी अश्योर्ड है, जिसको हम राइट टू चूज कहते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, राइट टू बी हर्ड है? तो इसका सही जवाब है राइट टू बी अश्योर्ड या राइट टू चूज. राइट टू चूज भी आया लिखा, देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कुछ नई बुक्स में राइट टू बी अश्योर्ड हो गया. वैसे ही राइट टू चूज के नाम से ज्यादा फेमस है, आप लोग जानते हुए इस बात को, लेकिन इसका दूसरा नाम अब राइट टू बी अश्योर्ड हो चुका है. डोंट फॉरगेट ओके. अभी फिलहाल तो चल जाएगा, बोर्ड में एक्सेप्टेबल है क्योंकि सारे बच्चे न्यू बुक्स तक पहुंचे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ न्यू बुक्स में ही आ चुका है राइट टू बी अश्योर्ड के नाम से. डोंट फॉरगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है. चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं. तो जहाँ भी वैरायटी से रिलेटेड बात है ना, कि कंज्यूमर के पास वैरायटी का ऑप्शन होता है कि वो बहुत सारी वैरायटी में से चूज कर सकता है, वहाँ हमेशा राइट टू बी अश्योर्ड या राइट टू चूज आता है. डोंट फॉरगेट. क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका हमारे सामने. असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल ही हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखते हैं. पहले तो करेक्ट ही ढूंढ लेते हैं, मजा आएगा करेक्ट ढूंढने में. सबोर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द लीडर. सही बात है भैया, सबोर्डिनेट तो गुलाम होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में मानना पड़ता है उनको बात. एन ऑटोक्रेटिक लीडर डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड. ऑटोक्रेटिक लीडर किसी की बात सुनता नहीं. सलमान खान है वो, एक बात जो मैंने बोल दिया, कमिटमेंट कर दी, मैं किसी की नहीं सुनता. बड़ा ईगोइस्टिक बंदा होता है ऑटोक्रेटिक लीडर, ध्यान रख के चलना. सबोर्डिनेट्स आर गिवन हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस. सबोर्डिनेट को आजादी देते कि जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं. इतना अच्छा नहीं होता बिल्कुल भैया, यही दिक्कत है. वो सबोर्डिनेट को फ्रीडम देता ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो डंडा लेके बैठा रहता है उनके सामने कि जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप वो करो. फ्रीडम नहीं रहता बिल्कुल काम करने की. फ्रीडम मिलती है सिर्फ और सिर्फ हमारी लास्ट वाले लेजर स्फीयर में. सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलती है लेजर स्फीयर में. डोंट फॉरगेट. क्विक डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सारे फैसले लीडर ने लेने होते. क्वेश्चन नंबर 20 डैश इज अ स्टैंडिंग प्लान. इनमें से कौन सा स्टैंडिंग प्लान है हमारा, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर वैसे तो जो आंसर है वो तो है रूल. सबसे पहले रूल है हमारे पास, ठीक है. बजट हमारा जो है वो रिपीटली यूज प्लान है. प्रोग्राम भी रिपीटली यूज प्लान है हमारा. जो हमारे जो बेसिकली सॉरी बजट और प्रोग्राम हमारे सिंगल यूज प्लान है, ठीक है. रिपीटली यूज हमारा रूल हो गया. एक स्ट्रैटेजी भी है. कुछ बुक्स में स्ट्रैटेजी को उन्होंने किसी प्लान में कंसिडर नहीं कर रखा है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो रूल माना जाएगा. स्ट्रैटेजी आपका सिंगल और रिपीटली यूज प्लान के अंदर आता तो है, लेकिन ये सिंगल यूज भी हो सकता है और रिपीटली यूज भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनती है. आप हो सकता है उसको रिवाइज कर पाए, ठीक है, और हो सकता है एक ही बार यूज करें. तो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करके चलता है इस क्वेश्चन को, इसलिए रूल इसका सही आंसर है. रूल हमारा सिंगल यूज प्लान है, वो बेसिकली सिंगल यूज कह रहा हूँ, रिपीटली यूज प्लान है. बार बार चलता रहेगा उसको कोई करेक्शन की नहीं पड़ती, चलता रहेगा. रूल्स रेगुलेशन कौन चेंज करता है हर साल अपना, चलते रहते हैं बार बार वो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपके सामने.
एक्सप्लेन द फर्स्ट टू स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, मैं तो पढ़ना भी पसंद ना करूं, इतनी डिटेल क्यों पढ़े हम लोग ये बताओ. अच्छा 21 है, सॉरी 21 को पढ़ लेते हैं एक बारी. आइडेंटिफाई सेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड अबव, आल्सो सेट एंड टू पॉइंट ऑफ व्हाट इज दिस फंक्शन. फंक्शन बताना है कौन सा है मैनेजमेंट का. प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है. पहचानो फटाफट. अनंता लिमिटेड इज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू इंक्रीज सेल एंड अर्न प्रॉफिट. इट्स जनरल मैनेजर कंपनी इज थिंकिंग टू एडवांस. व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट. ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉरकास्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड टू अचीव इट्स टारगेट. भैया प्लानिंग चल रही है, क्या करें, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट. प्लानिंग है बेटा, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ध्यान रखे चलना. इसका आंसर हमारे पास है क्या, प्लानिंग. ठीक है, बाकी प्लानिंग के कोई से दो पॉइंट इंपॉर्टेंस के बता दो. प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरवेलमिंग एक्टिविटीज. कोई सा लिख देना, आपकी मर्जी है, दैट इज अप टू यू. अगला कंट्रोलिंग फंक्शन के स्टार्टिंग के प्रोसेस के स्टेप के दो पॉइंट कोई बता दो. कंट्रोलिंग की पूरी प्रोसेस का शॉर्टकट SMCAT, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. स्टार्टिंग दो बताने, तो एस और एम वाला बता देना आराम से बिना किसी दिक्कत के. अगला डायरेक्टिंग के कोई से दो फीचर, बहुत सिंपल है. डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम आती है, डायरेक्टिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मौजूद है. डायरेक्टिंग जो है एक्शंस को इनिशिएट करके चलती है. कोई सा लिख देना यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आने वाले हैं, ध्यान रखना. डायरेक्टिंग के जो फीचर आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है और आते हैं, ये बकायदा आ रखे हैं और अच्छा क्वेश्चन है. मैंने आपको वीडियो में भी बता रखा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फीचर आपको आने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट बर्गर एंड फर्ज. ओके देखते हैं क्या हमारे पास. यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एनी टू पॉइंट्स हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट पूछी गई है. ठीक है, अब क्वेश्चन के रेफरेंस में है या नहीं तो पढ़ लेते हैं, एक बारी देख लेते हैं. बर्गर्स एंड फर्ज अवर अमंग द फर्स्ट फूड चेन्स इन इंडिया विच पायोनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ फैमिली स्टाइल रेस्टोरेंट. हाउएवर ओवर द ईयर्स इट स्टार्टेड लूजिंग बिजनेस टू मल्टीनेशनल फूड चेन्स लाइक मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट एक्सेट्रा एंड सून हैड टू शट डाउन. द रीजन टू शट डाउन वॉज इनएबिलिटी टू मैनेजर टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द रिएक्ट ऑफ द फोर्सेज एक्सटर्नल ऑन देयर फर्म. भाई सबसे पहले थे, ठीक है, इसका मतलब है सबसे पहले थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी गेटिंग द फर्स्ट एडवांटेज सुनो ली, लेकिन ये थ्रेट्स को पहचान नहीं पाए. ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल इनको मिल रहे थे, इनका बिजनेस हाथ से छूट रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिया उसको दोबारा से रिटेन करने के लिए, कुछ कदम ही नहीं उठाया, इसलिए इनका बिजनेस फिट गया. नहीं तो अच्छा कर सकते थे, लेकिन बस वही बात है, कदम नहीं उठाया, नहीं तो काफ़ी अच्छा कर सकते थे. बाकी आप कोई से दो पता चाहे बता सकते हैं. एनी टू मीन्स एनी टू, यहाँ पर एनी टू में मार्जिन मिल जाता है, आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के. चलिए नेक्स्ट लिखते हैं. इसमें हमारे और भी पॉइंट आ सकते थे हमारे, जैसे आप वो भी लिख सकते हैं, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. ठीक है, हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. कोई सा लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें बिना किसी दिक्कत के. नेक्स्ट पेज में हमारे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 में, स्टेट एनी थ्री बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. स्टाफिंग की फायदा क्या है. स्टाफिंग जो है वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को लेकर आता है, इंश्योर करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स हो, सही इंसान को सही काम मिले. ये सब स्टाफिंग के फंक्शन के हमारे सारे सारे बेनिफिट है स्टाफिंग के, एक बार रीड कर लेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा. अगला बेनिफिट्स बताओ ट्रेनिंग के एम्प्लॉयज़ को. ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉई का करियर बन जाएगा यार, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फायदा ही फायदा है, और एरर के चांसेस भी कम रहते हैं, उसकी अर्निंग भी बेटर हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 25, पल्लवी जी आई हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, वेडिंग प्लानर है पल्लवी जी. ओके, द वे पल्लवी वॉज मैनेजिंग हर बिजनेस हाईलाइट सम ऑफ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अवर पैराग्राफ. एक्सप्लेन एनी टू सच फीचर. अब देखो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको लाइन कोट करनी है. जहां लाइन कोट करने की बात कर देना वो अपने आप ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बन जाता है, इसलिए भी प्रैक्टिकल. पहले मैं यहाँ पे जो है सारे के सारे आपको लाइन कोट करके दिखाऊंगा, पहले कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लाइन वो बताऊंगा, उसके बाद उसका पॉइंट बताऊंगा. ठीक है, पल्लवी स्टार्टेड इन वेडिंग प्लानिंग कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड इन 2016. हर टारगेट वॉज टू अमंग द टॉप 10 कंपनीज इन दिस फील्ड विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स. देखो जहाँ पर भी टारगेट सेट कर रहा है ना, जहाँ पर भी क्वेश्चन में टारगेट सेट हो, ठीक है कि भैया हम टारगेट सेट कर रहे हैं पूरा पूरा अपना, और ये टारगेट सेट करना हमारा बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, ज़रूरी भी है टारगेट भाई, बिना टारगेट के हम चलता भी तो नहीं हमारा. तो जहाँ पर भी टारगेट सेट करने की बात चले, ठीक है, वहाँ पे आंसर आएगा मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस सबसे पहला फीचर हमारा है ना, वही वाला आएगा यहाँ पर. आगे बढ़ते हैं एक बारी.
For this, she employed people having different skills. She worked hard and united the efforts of different people to achieve this goal. देखो ध्यान रखना, उसने लोगों को रखा, लोगों के efforts को unite, बहुत सारे लोगों के efforts को मिलाया ताकि वो उस goal को achieve कर पाए. जहां पर भी आए तो वहां आएगा हमेशा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड के अलावा मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. बहुत अच्छा है कि मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. अकेले नहीं चलता मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए आपको हमेशा सभी लोगों के एफर्ट्स को कंबाइन करना पड़ता है. ठीक है, तो सभी लोगों के एफर्ट्स को कंबाइन करना पड़ता है मैनेजमेंट के लिए. सो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. बढ़िया क्वेश्चन है, इसी का पॉइंट है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास आता है, आगे बढ़ते हैं. द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर इन दिस इंडस्ट्री चेंज वेरी फास्ट. भाई बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट चेंज होती है. जहां ये बात आ जाए बड़ी चेंज हो रही है, उसको हिसाब से अपने आपको चेंज करना पड़ेगा. इसको कहते हैं मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन. यहां पर आ गया हमारा पॉइंट डायनामिक वाला, कि मैनेजमेंट मुझे लोगों की जरूरत के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. ये भी हमारा फीचर है मैनेजमेंट का. आगे, एज प्लान द कंपनी अचीव इट टारगेट विद इन द 3 इयर्स. ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट वॉज नोटिसेबल. भैया मैनेजमेंट नोटिसेबल था, मतलब मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स. ठीक है, तो ये इनटेंजिबल वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा, कि मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है और वो हमेशा दिखता है सक्सेस के थ्रू. वैसे नहीं पता चलता मैनेजमेंट है या नहीं, लेकिन सक्सेस बताती है. मैनेजमेंट दमदार है, जोरदार मैनेजमेंट है, तभी तो सक्सेस अचीव हुआ, नहीं तो सक्सेस अचीव होने वाली नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी. डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26. एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन के कोई से दो फीचर यार. मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, और मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. चार ही है, कोई से दो लिख देना, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 27, ये सारे एक्सप्लेन करने. मैसेज एनकोडिंग मीडिया डिकोडिंग, ऑब्वियसली बात है. मैसेज आपको बताया द फील्ड ऑफ टेक्स्ट विच इज नीड टू बी सेंड और द नीड टू बी कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड मैसेज. एनकोडिंग का मीन्स है कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सम एनक्रिप्टेड फॉर्म और सच अ फॉर्म दैट कैन ओनली बी ट्रांसक्रिप्टेड बाय द रिसीवर. जिसको सिर्फ रिसीवर जो है हमारा वही उसको चेंज कर पाए, बाकी चेंज नहीं कर पाए. मीडिया वो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है. डिकोडिंग का मतलब है किसी भी एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को दोबारा से, आई रिपीट, किसी भी एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को दोबारा से मैसेज ही फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या के चलता है, डिकोडिंग. ठीक है, क्वेश्चन वर्डिंग से हम देखे चलते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, ट्रेडिंग है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी. क्रेडिट अवेल्ड की बात है, ध्यान रखना क्रेडिट अवेल्ड, उधार मिल जाता है. अगर क्रेडिट अवेल्ड है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, अगर क्रेडिट अवेल्ड नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, डोंट फॉरगेट. क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट एनी फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी. सेबी के फोर ऑब्जेक्टिव, अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन मजा ही आ गया, बहुत ईजी है. कोई से चार ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं सेबी के. फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कोई से चार लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है फंक्शन. ये भी हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं अपना. बेसिकली सेबी के ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, सेबी जो है इंटरमीडिएट्स को प्रोटेक्ट करता है, इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और जो हमारे बेसिकली जितने भी कंपनीज हैं उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पैसा रेस कर सकें वो अपना. कोई भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेबी के. फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ तो फैसिलिटेट करता है प्राइस को, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है स्टॉक एक्सचेंज में, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी देता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी कल्ट को प्रमोट करके चलता है. ठीक है, इसके अलावा सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन इंश्योर करके चलता है, और स्पेकुलेशन, नीड फॉर स्पेकुलेशन, ये सारे हमारे इसके फंक्शन है. आप कोई सा लिख सकते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके चलना इसको. ये आता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, आ सकता है दोबारा से रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट हमारे कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, ज़्यादा नहीं रह गए अपना. तो ये 4-4 मार्क के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो यू नीड टू प्रिपेयर इट वेरी वेरी वेल. और इसको कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए भी मैं आपके सामने कंटेंट लेकर आऊँगा कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ. चलिए, अंकुश के ऊपर क्वेश्चन आ गया. राइट पूछा गया है कौन सा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है अंकुश की. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट. अंकुश बॉट अ हाई एंड माइक्रोवेव ऑन दिवाली फ्रॉम अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. द माइक्रोवेव हैड ISI मार्क एंड अंकुश डिलीजेंटली वेंट थ्रू द इंस्ट्रक्शन मैनुअल सो दैट ही कुड यूज इट प्रॉपरली. हाउएवर ड्यू टू फॉल्टी वायरिंग There was a short circuit in the microwave. He called up the consumer helpline of the company many times, but no solution was provided by the company. Ankush now decided to file a case. Ankush भैया केस करने जा रहे हैं. बहुत बढ़िया बात है, हिम्मत करिए अंकुश, बहुत बढ़िया मेरे भाई, केस करने जा रहा है. ओके, केस करने के बाद अंकुश को कौन सा राइट एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा? तो वो राइट का नाम है राइट टू सीक रिडेसल. मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा. फिलहाल वो सॉल्यूशन की तलाश में है, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा अंकुश को. सीक्रेट एसएल में सॉल्यूशन मिल जाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं भैया? एक तो सबसे बड़ी बात है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदो, दूसरा मैनुअल और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को रीड करके चलो, अपनी डीलिंग्स में फेयर रहो, जानबूझ के खराब प्रोडक्ट खरीद के अपने आप नुकसान बिल्कुल ना करो.
ये सारे हमारे इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पर। ओके, आपसे पूछा गया है कीपिंग इन व्यू द अबव सिचुएशन नेम द टू रीजन द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच स्टूडेंट शुड चूज टू मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा चूज करना है, हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस दो ही होते हैं, ठीक है, एक का नाम होता है डेट, एक का नाम है इक्विटी। हमें उन दो में से सजेस्ट करना है कि डेट ले तो क्यों ले, इक्विटी ले तो क्यों ले, वो मुझे बताना है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट कौन कौन से हैं, और एक अदर फैक्टर भी बता देंगे, अगर सही फैक्टर बता दिए तो ये भी बता देंगे क्या दिक्कत है। चलिए पढ़ते हैं एक बार। सीजन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बैचलर डिग्री इन कुलिनरी आर्ट्स फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट टुक ओवर हिज फैमिली रेस्टोरेंट स्पेशलाइजिंग इन साउथ इंडियन डिशेस। द बिजनेस वाज promoted by the grandfather many years back and in the form of the company. Now he wants to get restaurant renovated to open a special selection for bakery product. It is estimated that the investment of 5 crore will be required to execute the plan. At present the cash flow position of the company is not so strong and the fixed operating cost is also high. Cash flow position बेकार है, मतलब inflow कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत हाई है, तो क्या करें। तो भैया डेट बिल्कुल नहीं ले सकते, सॉरी सृजन भाई, हमें लेना पड़ेगा क्या, इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी हमें लेना पड़ेगा, दो रीज़न बताने के कि हमें क्यों इक्विटी लेना पड़ रहा है। तो उसका रीज़न एक तो कैश फ्लो पोजिशन, ये कैश फ्लो पोजिशन है, और दूसरा हमारे पास है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, ये बकायदा हमारे पॉइंट है जो कि हमारे डेट और इक्विटी को फैक्टर के चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन के ही पॉइंट है। जब जब हमारी कैश फ्लो पोजीशन लीन होती है, मतलब हालत खराब होती है, हमारा इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज़्यादा है, तो इक्विटी ही लेना, डेट मत लेना। दूसरा हमारी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर मैं इक्विटी ना लेके डेट लूँगा तो मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा डेट में, तो मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और बढ़ जाएगी। पहले ही हालत खराब है, और खराब मत करो, इसलिए क्या ले लो, इक्विटी ले लो। इसके अलावा कोई और भी फैक्टर आप बता सकते हो, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या चल रही है, ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं रिस्क कैसा है, कॉस्ट कैसी है, बहुत सारे पॉइंट है, कोई से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक के ऊपर है हमारा, है ना, अलग सवाल देखते हैं। अभिषेक मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टडी कर रहा है, देखते हैं क्या। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टू प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट अडॉप्टेड बाय अभिषेक। ओके, दो टेक्निक पहचाननी है आपको, ठीक है, और दो प्रिंसिपल बताने हैं जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट मतलब फ्यूल वाले, टेलर वाले नहीं, फ्यूल वाले बताने हैं, ध्यान रखना 14 में से कोई से दो बताने हैं, 14 में से कोई से दो जो यहाँ पर हैं। लाइन भी कोट करके दिखाऊंगा आपको ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर वो लाइन कोट करने को नहीं भी कह रहे हैं तब भी आपके माइंड में होना चाहिए कि लाइन कौन सी कोट होती अगर मुझे करनी पड़ती, तो ये ध्यान रख के चलना, अपने माइंड को ट्रेन करके चलो इस हिसाब से, ताकि आपको कोई गलती निकालने का स्कोप ही ना रहे, कोई गलती ना रहे, आपके पेपर में एक्सेलेंट हो, 80 में से 80 तभी आएंगे भाई, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अभिषेक स्टडीड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर व्हेन ही वाज क्लास 12। ओके, नाउ ही इज ट्राइंग टू अप्लाई नॉलेज व्हाइल डूइंग हिज बिजनेस बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क। ही फाउंड वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ओके भैया, साइंटिफिकली सब कुछ कर रहा है बहुत अच्छे से और बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब ढूंढ लिया। बाय रिमूविंग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स ही रिड्यूसेस द टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। उसने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को भी एलिमिनेट कर दिया। नॉट ओनली दिस, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टू रिगेन स्टैमिना ही स्टार्टेड गिविंग मोर रेस्ट इंटरवल भी दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को। बहुत बढ़िया बात है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके यहाँ पर एक खास है कि उसका जो कंपनसेशन है वो बहुत अच्छा है, फेयर है कंपनसेशन, और इस बात को इंश्योर करता है कि एम्प्लॉइज उसको ले पाए और कंपनी उसको दे पाए, ठीक है। तो अब ये बताता हूँ कि भैया कौन कौन से हैं पॉइंट हमारे, उसको ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले हमारा जहाँ पर भी ये टेक्निक की बात है ना, बेस्ट वाली, तो ये हो गया हमारा मेथड स्टडी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे चलना, मेथड स्टडी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, तो हमेशा आंसर आएगा मोशन स्टडी, ठीक है। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स के लिए हम कौन सी करते हैं, मोशन स्टडी, ठीक है। उसके बाद रेस्ट इंटरवल दे रहा है वो, बहुत बढ़िया बात है भाई, रेस्ट इंटरवल हमेशा आता है किसमें, फैटिग स्टडी में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट इसलिए करे ताकि आप इसको माइंड में सेट करके चलें कि जब जब ये लाइन या इस तरह के वर्ड्स आएँ तब तब आपका आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। प्रिंसिपल की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा गया डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, जहाँ पर भी किसी क्वेश्चन में ये शो करे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल आता है इक्विटी, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे, इक्विटी आता है। और कंपनसेशन बहुत अच्छा है, तो ये हमारा पॉइंट कंपनसेशन एम्प्लॉइज ही है, ठीक है, तो ये तो हमारा कंपनसेशन ही है। ये हमारा कंपनसेशन वाला पॉइंट है ना, ये वही वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। सो ये बढ़िया क्वेश्चन था हमारा। एनी टू टेक्निक्स पहचाने थे और एनी टू प्रिंसिपल पहचाने थे, टेक्निक तो तीन है, कोई से दो पहचाने लेंगे, क्या दिक्कत है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन हमारा। चलो आगे आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 की। और
क्वेश्चन 32 में क्या लिखा गया देखते हैं. ओके, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बताना है, उसके एडवांटेज लिमिटेशन बताने की कोई दिक्कत नहीं. ऑर्गेनाइजेशन का टाइप देखते हैं कौन सा होगा. FMTech Limited एक लीडिंग मिस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दिल्ली में, टू एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज. जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू वर्क आर क्लियरली प्रोसेस एंड लेड डाउन. द कंपनी स्पेसिफिकली क्लियर द बाउंड्रीज ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देर इज अ सिस्टमेटिक एंड कॉर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, सब कुछ सिस्टम से ही चल रहा है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में. कंपनी स्कोप ही नहीं दे रही सिस्टम को तोड़ने का. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये कुछ और नहीं है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. इसके दो एडवांटेज देने, एडवांटेज यहाँ से कोई भी दे दो कि प्रोसीजर रिलेटेड वर्क अच्छे से चलता है, क्लियरली बाउंड्रीज को बताया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की बाउंड्रीज, सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन लेकर आते हैं. लिमिटेशन की बात करूं तो भैया इसमें डिसीजन मेकिंग में बड़ी डिले होती है, बड़ी दिक्कत है बड़ी. ठीक है, और ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करती, इसलिए लोग इसके अंदर यू नो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर. अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन. ओके, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के बाद के स्टेप बताने हैं स्टाफिंग प्रोसेस में. स्टाफिंग प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट अगर आपको पता हो या ना बताओ तो है ERSPTPPC. ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है जो जिसके थ्रू हम प्रोसेस याद कराते हैं. इन्होंने कहा प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के बाद बता दो. ये रहा हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, बता देता हूँ. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और उसके बाद हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, ये हमारा पूरा पूरा सिस्टम है, इसको ऐसे याद करना है, भूलना बिल्कुल नहीं. उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप बताने हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के बाद. तो सिलेक्शन प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है PSERSMJC. ठीक है, इन्होंने कहा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. रेफरेंस बैकग्राउंड चेक ये रहा अगला पॉइंट, 1, 2, 3, 4 है हमारे, बताने कौन कौन से हमारा. तो वह सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड उसके बाद हमारा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये चार आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे. अगला क्वेश्चन नंबर 34 और हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज का. डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, मजा ही आ गया. तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है यार, बताओ, बहुत ईजी है. आपको बताना है मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग क्या होता है. उसके बाद द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इंक्लूड डिसीजन अबाउट द पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग. तीनों एक्सप्लेन करने हैं, पैकेजिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, लेबलिंग क्या है. डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट करके कुछ मिलेगा नहीं हमें. डायरेक्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग की डेफिनेशन. मुझे लगता है मैं सच बताऊँ तो ये वाला ईजी है, बी वाला पार्ट कंपैरेटिवली ऊपर वाले से ईजी है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है. और मैं तो आपको 10 बार बता चुका हूँ कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों को बहुत अच्छे से करके जाना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ऊपर वाले हमारे फंक्शनल मार्केटिंग है जो कि हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. वो आपने रीड कर ही रखा है क्या है क्या नहीं है. सो आई जस्ट होप आपको ये सैम्पल पर करके मजा आया होगा और आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी फॉर श्योर. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, डू रियली वेल एंड मेक मी प्राउड इन दिस एग्जाम.